हेलो एवरीवन, कैसे हो? और काम वाम सब होकर फिनिश हो गया है और अभी नहा धोकर एकदम रेडी हो गई मैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैंने सूट नहीं डाला, तो मैंने ये लोअर टी शर्ट डाले हुए हैं। और ये देखो बच्चों ने इसका, सच बताऊँ बच्चे ने इतना इसका सारा कुछ निकाल दिया, अब इसे सिलना पड़ेगा मुझे दोबारा से। तो गाइस, यहाँ मैं बना रही हूँ राजमा की सब्जी और ये ऑयल गर्म हो चुका है और फिर मैंने ये साबुत मसाले डाल दिए थे इसमें, जीरा और पत्ते और ये सब मसाले डाल दिए मैंने, खड़ा मसाला जो बोलते हैं साबुत वाला, तो ये मैंने डाल दिया है इसमें। और अभी मैं इसमें डालूँगी प्याज जो कि मैंने मिक्सी में पीस के रखी हुई थी, तो ये देखो मैंने इसमें डाल दिया। ये अच्छे से भून लूँगी इसे, जो कि ये ना अच्छे से रंग मतलब इसका निकल आएगा जब मैं इसमें टमाटर डालूंगी। फिलहाल तो मैं अभी प्याज ही भून रही हूँ और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी उसकी, राजमा की बहुत टेस्टी बनी थी। तो मैंने राजमा चावल बनाए थे आज, जो कि बच्चे बोल रहे थे और कि राजमा चावल खाने हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो ज़्यादातर ना मैं वही चीज़ बनाती हूँ जो बच्चे बोलते हैं, ये रहता है ना कि बच्चों का जब पेट भर जाता तो समझ लो माँ बाप का भी पेट भर गया, तो इस वजह से। तो ये देखिए ये यहाँ प्याज हो चुकी है, अब मैं इसमें डालूंगी दो तीन टमाटर, मैंने वो भी मिक्सी में पीस के रखे होते हैं तो ये भी मैंने डाल दिए हैं। और ये भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसे पीसूँगी, फिर वो पीसूँगी सॉरी इसे चला के, और इसे थोड़ा सा इसमें ना मसाला तेल वगैरह जो अलग हो जाता है ना, जब लगता है कि हाँ अच्छे से ये भुन चुका है, मसाला हमारा तैयार है। तो अभी टमाटर हो रहे हैं, तो अभी मैं एक बार और इसे अच्छे से चलाऊँगी, फिर इसमें डालूँगी मैं मसाले। तो मैं चमचे से इसे दोबारा से चला दूंगी, ये देखिए। तो जब तक ना इसमें तो एक खुशबू सी नहीं आती ना मसाले की, तो जब तक मज़ा नहीं आता, मतलब कि पूरे घर में ना एकदम खुशबू एकदम उड़ जाती है कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो बन रहा है। तो यहाँ मैंने डाल दी है लाल मिर्च और हल्दी, और थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें धनिया, पैकेट वाला जो मैंने ला के रखा हुआ था उसी को डालूंगी। वैसे मैं साबुत लेकर मिक्सी में पीस कर फिर उसे रख देती हूँ, पर अब के थोड़ा सा नहीं हो पाया तो फिर मैंने पैकेट ही मंगाया था, तो इस वजह से। तो मैं यहाँ इसे भी डाल दूंगी और अच्छे से इसे भी चला लूंगी, और फिर मैं थोड़ा सा ना जो मिक्सी में जो रह जाता है उसे मैं हल्का सा पानी में करके, और फिर मैं उसी पानी को इसमें डाल दूंगी जो कि मसाला अच्छे से हमारा हो जाए। तो ये देखिए मसाला हो रहा है, और मतलब ना पूरे घर में एकदम खुशबू ऐसी उड़ गई कि बस। जब ही हमारे गुरुजी आए और इन्होंने बोला कि क्या बना रही हो मैडम आज, तो पूरे घर में खुशबू उड़ा रखी है। तो मैंने कहा कुछ नहीं राजमा बना रही हूँ अभी। तो ये देखिए मसाला हमारा हो रहा है, तो मैं इसे ना 5 मिनट के लिए थोड़ा सा ऐसे ही रहने दूंगी, जो कि इसमें से तेल अलग और मसाला अलग दिखने लग जाए, उसके बाद ही मैं राजमा डालूंगी इसमें। तो मैं क्लिप थोड़ी छोटी छोटी करके बना रही हूँ। तो ये देखिए ये हो चुका है, और इसमें मैंने डाल दिए हैं राजमा, और राजमा अच्छे से उबल गए थे, मतलब ऐसे फटे फटे हो जाते हैं ना राजमा, तो वही वाले हो गए थे। तो राजमा भी अच्छे से गल चुके थे क्योंकि रात को मैंने वो गलाने के लिए रख दिए, ये देखिए। तो अभी मैं इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालूंगी, जो मैंने उबाले थे ना उसी में डाले थे, तो वही है। तो ये देखिए सब्जी बनकर होगी हमारी तैयार, एकदम टेस्टी, बहुत टेस्टी बनी थी चावलों के साथ भी वैसे भी। तो मैं आपको एक बार दिखा रही थी चलाकर, हालांकि इसमें से ले लिए सब्जी क्योंकि बच्चे जिद कर रहे थे कि हमें भूख लग रही है, तो मैंने फिर उनको दे दी, फिर मैंने ये आप सबको दिखाई है। मैंने देख के आप सबको तो दिखाना बनता ही है, तो इसलिए। तो यहाँ मैंने ना सुबह ही खाना पीना सब बना लिया था कि क्योंकि मुझे आज करनी थी किचन साफ़, और डिब्बे वगैरह सब गंदे हो रहे थे बहुत ज़्यादा, और ये ना गंदे हो ही जाते हैं क्योंकि इसमें ना मैं सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ किचन में, तो इसका जो तेल का जो धुआं उठता है ना ऑयल वगैरह का, तो ये डिब्बों पे आके जम जाता है, तो इसलिए फिर मुझे ये ना साफ़ करना पड़ता है। जैसे खिड़की वगैरह होती हैं अगर उनमें डिब्बे रख दें तो फिर ये रहता है कि चलो साफ़ रहते हैं, मतलब कि महीने में 15 दिन में कर लेते हैं, पर ये खुले ऐसे रखे हैं ना तो इनमें बहुत जल्दी जम जाता है, तो इस वजह से। तो माता रानी चाहेगी तो फिर दोबारा देखते हैं कब हमारा घर बनेगा और कब किचन ऐसी बनवाएंगे, अभी तो फ़िलहाल इसी में ही गुजारा कर रहे हैं। तो अभी
सारे तो डिब्बे एक में एक उतार करके लूँगी, मैं सारे डिब्बे उतार रही हूँ, जो कि जल्दी से मेरी किचन साफ़ हो जाए, ऊपर वाली स्लिप जल्दी से हो जाए। और मैंने ना सुबह ही खाना वगैरह सब बना लिया था, क्योंकि बच्चों को फिर भूख लगती है और हमें भी लगती है, तो इस वजह से मैंने सुबह पहले सबसे पहले खाना बना के रख दिया। और उसके बाद फिर मैंने कहा चलो अभी मैं किचन सफाई करती हूँ, और ये देखो बहुत गंदा हो रहा था, तो इस वजह से डिब्बे विब्बे सब गंदे हो रहे थे, तो मैं मेरा हो रहा था कि आज करूँगी कल करूँगी आज करूँगी, तो एक दो दिन तो ये ऐसे ही निकल गया कि आज करूँ कि कल करूँ, फिर मैंने आज फाइनली कर लिया। तो ये मैं सारे डिब्बे उतार लूँगी, नीचे स्लब पे रख दूँगी। बाहर मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि मैंने पूरे घर की सफाई कर दी थी और किचन रह गया था, तो मैंने कहा फिर बाहर भी फिर दोबारा से फैल जाएगा, तो इस वजह से मैं किचन में ही इसे साफ़ कर रही हूँ, डिब्बे वगैरह सब कुछ। तो ये देखिए ये कितना गंद मतलब निकल रही थी यहाँ से, और ये ना चूहे वगैरह हो रहे हैं तो उसके भी थोड़ा सा गंद हो रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं यहाँ से साफ़ कर लेती हूँ, तो ये कर दी है मैंने। और तो यहाँ अभी मैंने डिब्बे जैसे साफ़ कर करके नीचे रखे थे ना, तो उनको मैं ऊपर लगा दूँगी एक एक करके, और इसमें ना सब सामान ऐसे रखे हुए हैं, और ऊपर की सिलफ हो चुकी थी, फिर मैंने कहा नीचे भी सिलफ साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ मैं गैस की सफ़ाई करने से पहले मैं टैल वगैरह ये साफ़ कर रही थी, क्योंकि यहाँ भी ना तेल के छींटे वीटे पड़ जाते हैं, तो इसलिए तो वैसे तो साफ़ कर ही देते हैं, कपड़े वगैरह मार ही देती हूँ, पर उसमें ना हल्का सा थोड़ा बहुत रह जाता है, तो मैं इसे साबुन से मतलब कि जूने से टैल को साफ़ कर रही हूँ, और अच्छे से ना ये हो जाएंगे साफ़, तो फिर दिक्कत नहीं होगी, फिर मतलब गंदा नहीं दिखेगा, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो मैं यहाँ से भी साफ़ कर देती हूँ। और गैस देखो अभी सुबह जो गंदी हो रही थी, खाना वाना बनाया था फिर डिब्बे विब्बे सब उतारे, तो उससे भी, तो मैंने कहा चलो मैं गैस को भी अच्छे से ब्रश मार दूँगी और ये भी साफ़ हो जाएगी। तो यहाँ मैं गीला कपड़ा लेकर टैल वैल सब साफ़ कर लूँगी पहले। तो ये देखिए किचन हो गई एकदम साफ़, और मैंने कट करना पड़ा मुझे वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया था, तो इस वजह से फिर मुझे कट करना पड़ा, तो ये वीडियो इसलिए मैंने तो कम करते हैं, बाद कट में कर करने दी। चलते। तो सुजल आवाज कम कर ले बेटा, तो देखो इसका टेडी बियर का क्या कर दिया हम बच्चों ने, देखो ये फिर से फाड़ दिया, और फिर मुझे दोबारा से सिलना पड़ेगा। कम से कम मैंने ये 8-9 बार सिल दिया है, पर 8-9 बार इसे ऐसे पता नहीं क्या ये फट जाता है, मेरे कहीं कहीं से सिलाई उधर रही है इसकी, कहीं कहीं से उधर रही है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए मैंने सूट नहीं डाला, मैंने ये टी शर्ट डाल ली, और क्योंकि गर्मी में ना काम नहीं होता। आज मैंने कोई किचन साफ़ की पूरा दिन लगी रही मैं, और आप लोगों ने देखा भी था मुझे, और ये तो डेली का काम है, खैर साफ सफाई का और ये सब कुछ तो डेली रूटीन में आपको दिखाई देती हूँ, क्योंकि डेली रूटीन में क्या देखो यही होता है, सभी दिखाते हैं, मैं तो अकेली क्या दिखाऊँ, सभी दिखाते हैं अपना अपना डेली रूटीन, तो मैं भी दिखा देती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जिस किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, और लाइक ना किया हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, मेरे लिए लाइक कर दिया करें। तो अभी थोड़ा ना बच्चे परेशान हो रहे थे, क्यों मम्मी आपने आज वीडियो नहीं बनाया, मैंने कि बनाया है, कि नहीं आपने नहीं बनाया, आज आपने नहीं बोला कि चुप हो जाओ सब तो मैंने कहा नहीं कोई नहीं, मैंने कि आज मैंने किचन साफ़ की थी तो मैंने कि उसकी मैंने वीडियो बनाई है, और जब मैं बोलती हूँ ना तो मैं इनको मना कर देती हूँ कि कोई मत बोलना, शांत रहना, क्योंकि आवाज़ आती है फिर इनकी, तो इस वजह से। तो बोल रहे थे कि मम्मी आज आपने वीडियो नहीं बनाया, मैंने कि बनाया है, पर आज तुम लोग खूब बोलो जितना बोलना है, पर मैं अब बात कर रही हूँ ना, तो अब मैंने फिर इनसे बोल दिया अब मैं वीडियो बना रही हूँ तो अब मत बोलना। तो टीवी खोल के बैठे हुए हैं, आवाज़ कम कर ली है उन्होंने, तो मेरी ना ये वाली ना ख़त्म हो गया, तो मैं मार्केट जाऊँगी एक दो दिन में देखूँगी, और वहाँ से मैं लेकर आऊँगी मार्केट से, और मेरी ना आज सूजी सूजी सी हो रही है आँख, पता नहीं किस वजह से हो रही है, तो पता नहीं किस वजह से मेरी आँख खुज रही है। विराज मान बेटा, ट्राइपॉड गिर जाएगा, पता नहीं क्या हो रहा है। और आज मैंने नेम प्लेट भी नहीं लगाई, अभी मैं पहले साफ़ करूँगी फिर उसके बाद लगाऊँगी, तो आज नहीं, आज थोड़ा लेट हो गया, तो मैं खाना वाना बना के एकदम फ्री होंगी, समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ क्या नहीं, तो मैं देखती हूँ क्या बनाऊँ।
और मौसम आज बहुत अच्छा हो रहा था, मतलब कि धूप कभी छाओ कभी धूप कभी छाओ इस तरीके से। तो अब ये मौसम ना अच्छा, मतलब दिन पर दिन अच्छे होते जाएंगे, क्योंकि फिर सावन लग जाएगा, सावन में तो फिर ठंडा ही मौसम रहता है। तो इस वजह से आज मैंने अपना सिर भी धोया था, तो मेरे बाल देखो कैसे हो रहे हैं। मेरी सिस्टर का फ़ोन आया, बोल रही थी कि अब तो तेरे बाल ना लंबे हो गए। मैंने कहा लंबे नहीं हुए, मैंने कि वीडियो में लगता है पर नहीं, ज़्यादा बड़े नहीं हुए, पर मैंने कि मैं लेकर आई हूँ तेल इनके लिए, थोड़ी सी इनकी केयर कर लूँ, वरना मैं इनकी केयर बिल्कुल नहीं करती हूँ। पता नहीं क्या होता है मुझे, मतलब कि मैं ना, मैं क्या सभी के साथ ऐसा ही होता होगा, आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा, कभी मन करता है कि मतलब कि थोड़ा केयर वेयर करें, कभी मन करता है चल छोड़ कोई नहीं, अब किसी को क्या दिखाना, जैसे हैं वैसे ही ठीक है। तो आप लोगों का भी मन करता होगा, तो प्लीज़ कमेंट में बताना मुझे कि सिर्फ मेरा ही मन करता है कि आप लोगों का भी करता है। और मंगलसूत्र मेरा टूट गया था ना, तो फिर मैं मार्केट नहीं जा पाई, तो मैं मार्केट जाऊँगी और वहाँ से मैं लेकर आऊँगी, क्योंकि गोल्ड वगैरह के मैं डेली में नहीं डालती हूँ, तो इस वजह से तो मैं लेकर आऊँगी मार्केट से। तो देखते हैं हमारे गुरु जी को कब टाइम मिले, कब हमें लेकर जाएँ। तो मैंने ना गुरु बोलती हूँ प्यार से क्योंकि ये ना मुझे ज़्यादा ज्ञान बांटते हैं, मतलब कि अगर मैं इनसे कोई बात करने बैठ जाऊँ ना तो बस फिर तो ये, मतलब मैं कहूँगी आप तो बोलते ही नहीं हो, जब बोलना शुरू करते हैं ना तो फिर मुझे इतना ज्ञान बांटते हैं, इतना ज्ञान बांटते हैं। मैं कहती हूँ गुरु जी अब शांत हो जाओ, मैंने कहा बात ख़त्म करो, मतलब कि एक बात पॉइंट पकड़ लेंगे ना तो उसी बात को खींचे चले जाएंगे। तो मैं इनसे गुरु जी बोलती हूँ प्यार से, तो ये मेरे गुरु जी हैं जो कि मुझे ज्ञान बांटते रहते हैं। तो देखते हैं कब लेके जाएंगे कब नहीं, क्योंकि अभी ये भी इन्हें टाइम नहीं मिल रहा थोड़ा सा, तो इस वजह से। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट भी करना, कमेंट किया करो, मुझे ना बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़ना, और पसीना देखो आ रहा है, तो आप लोगों के कमेंट पढ़ना ही बहुत अच्छा लगता है मुझे, जो आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट देते हो ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो प्लीज़ कमेंट भी क्या करें अच्छे 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 वाले। तो बस अभी मैं देखती हूँ क्या बनाऊँ क्या नहीं। वैसे तो मैंने मैगी ला के रखा हुआ है, बच्चों के लिए मैगी बनाऊँगी, कई दिन से बोल रहे हैं मैगी बनाने के लिए, तो मैंने कहा मैं आजकल कर रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ। तो आज मैं मैगी बनाऊँगी बच्चों के लिए और इनके लिए देखूँगी, फिर मैं और यही रह जाएंगे गुरुजी हमारे, तो हम दोनों के लिए देखते हैं हम क्या बनाएं। तो सोच रही हूँ दाल बना लूँगी, दाल या कुछ हल्की फुल्की सब्जी ऐसी ही कुछ बना लूँगी। और आप ना प्लीज़ वीडियो को स्किप मत किया करो, पूरा वीडियो देखा करो पूरा, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतनी आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है, आपको भी पता है मुझे भी पता है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट किया करो। अगर आप सपोर्ट करोगे तो मेरा भी मन करेगा फिर अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का, तो फिर मन करता है कि चलो बनाते हैं। और अब तो पता नहीं मुझे क्या हो गया है, जैसे कि मैं वीडियो अगर मैं सोचूंगी ना कि चलो मैं आज वीडियो नहीं बनाती, तो मतलब कि 3-4 बजे तक मैं रहूँगी कि नहीं बनाती, उसके बाद ना मुझे पता नहीं क्या हो जाता है कि नहीं मुझे वीडियो बनाना है, मुझे वीडियो बना, चाहे भले मैं थोड़ा छोटा वीडियो डालूँ पर मुझे ये रहता है कि नहीं मुझे बनाना है, मतलब एक लत सी लग गई है पता नहीं क्या वीडियो बनाने की, तो वो लत मेरे अंदर लगी हुई है। तो मैं ना वीडियो फिर बनाती हूँ कि नहीं मुझे बनाना है, तो मैं इतनी मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ मेरी मेहनत को थोड़ा समझें और मुझे सपोर्ट करें आप सब, और प्लीज़ मेरा वीडियो देखा करें, और कोई भी बात हो या कोई कमेंट आपको करना है तो प्लीज़ किया करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने के लिए तैयार हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें और मुझे आगे लेके चलें अपने साथ, अपने अच्छे अच्छे कमेंटों के साथ। तो प्लीज़ आज के लिए इतना ही, तो बस ठीक है ना, लेके चलोगे ना मुझे अपने साथ है, कमेंट में बताना, चलो ठीक है ना। तो अभी मैं मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो बस आज के लिए इतना ही, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।